अस्सलामुअलैकुम। आज मैं दम का खीमा बना रही हूँ। आधा किलो खीमा है, पाव किलो डेढ़ पाव किलो दही है, शाजीरा, इलायची, दालचीनी, ये प्याज तलने की, ये तेल है 4 चमचे बड़े चमचे से, ये थोड़ी हल्दी 2 चमचे, अदरक लहसुन, ये नमक, ये 2.5 चमचे मिर्ची, और ये प्याज थोड़ी तल लेना। ये फली है छटा, थोड़ा खोपरा है, थोड़ी खसखस है। अब अपने हिसाब से डालना, बहुत मसाले डाले तो बहुत हो जाता। आधा किलो खीमे के साथ इतना था, थोड़ा थोड़ा डालना, थोड़ी आधा छटाक, खसखस है छटाक, फली है थोड़ा खोपरा, ये कोथमीर पुदीना, 5 हरी मिर्ची, पीस लेना। ये 4 इलायची, 1 चमच शाही सालन जा रही हूँ, प्याज तल रही हूँ, तेल डाल रही हूँ, 3 बड़े चमचे से 3 चमचे तेल है। ये इसके बाद तेल गरम हो गया ना, ये दालचीनी डाल रही हूँ, दालचीनी भी ना, के पास से ये प्याज, अदरक लहसुन डाली, उसके बाद मिर्ची डालेगा, कितने हैं 2.5 चमचे मिर्ची है। हल्दी डाल देना इससे, इसके बाद से खीमा डालें,
आधा किलो खीमा। अब भुने जाना ये खीमा। ये खीमा भुने गया अच्छा तो दही डालेंगे। छेद के रखे अच्छा फेंक दिए। धनिया भुने जा रहा उसके साथ मसाले डाल दिया थोड़ा धनिया धनिया भुने जा रहा। अच्छा धनिया डाल दिया। ये धनिया भुने गया। अच्छा अब मैं मसाला डाल दूँ। मसाला खसखस खोबरा फली दही का पानी ये सब अच्छा पकना। दही सूप का पानी पूरा सूख जाना। उसके बाद से कोथिमीर पुदीना हरी मिर्ची डालना। नमक डाल हाँ नमक डाल रही मैं थोड़ा। ये खीमा पक गया देखो दम का खीमा। ये दम पे कोथिंबीर पुदीना डालना। ये हरी मिर्ची ये दम पे डाल के थोड़ा सिम पे रख देना। ये पक गया देखो। अब दम पे रखना। कोथमीर पुदीना हरी मिर्ची डाल दी। दम पे रख देना है थोड़ी देर। अच्छा पक गया खीमा। पक गया अब तीरा आ गया देखो दम पे रखने से। अब पूरा मुकम्मल तैयार हो गया। दम का खीमा चावल के साथ रोटी के साथ चावल के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं। हम तो अब चावल के साथ खा रहे हैं।